वर्ल्ड वॉच न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को विकास अग्रवाल का नमस्कार। दमोह शहर के आसपास की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे आपको हर खबर का तुरंत अपडेट मिलता रहे। आइए नजर डालते हैं बड़ी खबर पर। दमोह के किशन तलैया में दो बच्चों की डूबने से हुई मौत। प्राप्त जानकारी के अनुसार जब दो बच्चे स्कूल गए हुए थे, तब वे स्कूल न जाकर दमोह के जलपुरनाका स्थित किशन तलैया में नहाने के लिए पहुंच गए, जहां पर नहाते वक्त दोनों बच्चे डूब गए, जिससे उनकी मौत हो गई और देर शाम तक बच्चे घर नहीं पहुंचे। तब परिजनों ने उनको खोजना शुरू किया और परिजनों को बच्चों के बैग किशन तलैया के पास मिले। देर रात तक बच्चों को ढूंढा गया और समाज के कुछ लोगों के द्वारा तालाब में ढूंढने पर दोनों बच्चों के शव मिले। हालांकि समाज के लोग और समाज सेवी मोंटी रेगवार ने कई बार प्रशासन से भी गुहार लगाई। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन समाज के लोगों में आक्रोश है कि समय रहते प्रशासन के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, ना ही समय पर होमगार्ड दल पहुंचा और सबको ले जाने के लिए जिला अस्पताल से ना ही कोई वाहन उपलब्ध हो पाया और परिजन ही सबको लेकर जिला अस्पताल 5 किलोमीटर तक पैदल 2-व्हीलर पर पहुंचे, जहां अंबेडकर चौराहे पर सबको रखकर प्रदर्शन किया गया। मौके पर दमोह एसडीएम पहुंचे और दोनों लोगों को काफी मनाने की कोशिश भी की है, लेकिन परिजन अंबेडकर चौराहे से उठने का नाम नहीं ले रहे। इस संबंध में हमने दमोह सीएसपी से बात की व एसडीएम महोदय से बात की, तो उनका क्या कहना है यह भी सुनाते हैं। छात्रों के नाम राज रेगवार, जो कि 11वीं क्लास में पढ़ता था, और अंकित पटेल, जो 9वीं क्लास में पढ़ता था। यह दोनों छात्र दमोह के महाराणा प्रताप स्कूल में पढ़ते थे। आइए सुनते हैं क्या कहना है सीएसपी का, क्या कहना है एसडीएम का, क्या कहना है मोंटी रेगवार का। और तालाब में जानकारी मिली है कि नामांकन उनके समाज के लोग कहते हैं तकरीबन 4 किलोमीटर तक सौ को पैदल गाड़ी में लेकर। देखिए, बड़ी दुखद और हृदय विदारक घटना है। दो बच्चे अंकित और राज जो स्कूल लेकर निकले थे, और किशन तलैया पर पीछे एक ताल टाइप का बना हुआ है और वहाँ जो है वो उनके डूबने की सूचना प्राप्त हुई थी। वास्तव में वहाँ तक जाने का रास्ता इतना कठिन है कि वहाँ कोई 4-व्हीलर पहुँच नहीं सकती। पुलिस की टीम भी जो 2-व्हीलर से बड़ी मुश्किल से और लगभग 500 मीटर 1 किलोमीटर लगभग पैदल वहाँ पर गए हैं अंदर तक, और जैसे ही सूचना मिली है तो तुरंत जो है पुलिस की टीमें अलर्ट हुई हैं। होमगार्ड को भी सूचना दे दी गई थी। तैयारियों के साथ साथ उन्हें पहुंचने में थोड़ा समय लगा। तब तक जो है कुछ लोकल लोगों ने जो है तालाब में कूदकर दोनों बच्चों के जो है मृत शव को निकाल कर और जो है अस्पताल तक ले आए हैं। कुछ व्यवस्थाओं से नाखुश होकर उन्होंने अभी अपना विरोध प्रदर्शन किया है। उन्हें समझाने का लगातार प्रयास जारी है और स्थिति जो है वो ऐसी उम्मीद है कि जल्दी नियंत्रण में आ जाए। किस चीज को लेकर विरोध कर रहे हैं? देखिए, जैसा कि मैंने बताया, वहां तक पहुंच का रास्ता इतना आसान नहीं था। उनकी मांग थी कि वहां तक एम्बुलेंस या कुछ ऐसा वाहन उपलब्ध करा दिया जाए या फिर कुछ शव को लाने के लिए कोई वाहन वहां तक पहुंच जाए, लेकिन चूंकि वहां का रास्ता काफी गड़बड़ है तो शायद वहां पर हर संभव प्रयास समय पर नहीं पहुंच पाया, इस कारण कुछ लोगों में रोष व्याप्त है। देखिए, होमगार्ड की टीम को सूचना तत्काल दे दी गई थी, फिर उसके बाद उन्हें तैयारी करने तक और मौके तक पहुंचने में समय लगा, और अगर किन्हीं कारणवश अगर चूक हुई है तो उनके वरिष्ठ अधिकारियों से इस विषय पर बात की जाएगी। अभी रात में देर रात खबर लगी थी कि कुछ दो छात्र शहर के पास एक तलैया है, वहां पर उनकी कुछ बॉडी की संभावना है। तत्पश्चात पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची, लोकल लोगों की मदद से उनकी बॉडी को निकाला गया। तो उनकी कुछ मांग है कि वहां पर जो है उनको कुछ मदद नहीं मिल पाई, इस कारण से उन लोगों द्वारा कुछ कुछ अपनी मांग रखी गई है, जो उन लोगों द्वारा स्वीकृति दे दी गई है, और बॉडी को भी मर्चुरी में रखा दिया गया। कल सुबह पोस्टमार्टम वगैरह की कार्रवाई आगे की जाए। ये अब उनके क्या विषय हैं, क्या बिंदु हैं, उनसे बोला है कि उसको डिटेल बताएं तो, और किस किस विषय पर उनका क्या है, और चूंकि वरिष्ठ अधिकारियों के मामले के संज्ञान में भी मामला लाया जाएगा, तो जैसे कि कार्यवाही के निर्देश दिए कार्यवाही।
अस्पताल को लेकर की शिकायत आ रही थी, अभी भी पुलिस कर्मी ही स्टेशन लेकर के आया, वो ही अंदर लेकर आया। मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि वरिष्ठ अधिकारी के संबंध मामले में संज्ञान में मामला लाया जाएगा और उसके बाद जो भी कार्यवाही के निर्देश होंगे। क्या हुआ था यहाँ पे प्रदर्शन किया आपने? हमारे समाज के बच्चे, एक पटेल समाज का बच्चा था, वो दो घर से गए थे तो तालाब में डूब गए, बैग वहां मिला। उसके बाद हम लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जलबन्ना का चौकी पुलिस पहुंची थी, लेकिन हम लोग ने तिमोरी के लिए फोन लगाया, अस्पताल के लिए फोन लगाया, होमगार्ड सैनिक को फोन लगाया आपस में, उन्हें मना कर दिया, एम्बुलेंस मिली ना मिली, हम लोग मोटरसाइकिल पे सबको ले आए। और हमारी मांग थी कि जो ममता तिमोरी है, इस अस्पताल की मालिक है, उनके लिए तत्काल हटा जाए, जिन लोगों की जनता की सेवा नहीं करना है, काम नहीं करना है, तो यहाँ बैठने का अधिकार ही नहीं, उनको हटाना चाहिए। और जो होमगार्ड वाले हैं उन ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। SDM साहब, CSP साहब अभिषेक तिवारी जी ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि आप लोग की मांगों को उचित फॉर्म पर रखा जाएगा और उचित कार्रवाई होगी। ममता तिमोरी को भी हटाने के को उन्होंने बोला है और इस बात को लेकर हमने अपना धरना समाप्त किया है। और यदि नहीं हटाते तो हम लोग फिर दमोबंद और फिर धरना बैठ सकते हैं।